गाइस, क्या आप इस बैट्समैन का नाम बता सकते हैं? कमेंट करिए। आईपीएल का मैच नंबर 54 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। टॉस हारकर बैटिंग करने आई आरसीबी की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। उन्होंने एक रन के स्कोर पर विराट कोहली का विकेट गंवा दिया। उनकी शुरुआत और ख़राब हो जाती, लेकिन नेहल वधेरा ने डुप्लेसी का एक रन पर कैच ही छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसिस ने शानदार पार्टनरशिप की और आरसीबी का स्कोर पावर प्ले में 56 रन तक ले गए। और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप के बदौलत आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में 104 रन तक पहुंचा दिए। ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार 68 रनों की पारी खेली। इसके बाद दिनेश कार्तिक, केदार जाधव और वनिंदु हसरंगा के छोटे छोटे कैमियो देखने को मिले। मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसिस की पारियों के बदौलत आरसीबी का स्कोर 20 ओवर में 199 रन पहुंच पाया। ये चलते हैं आरसीबी के स्कोर कार्ड पर। जवाब में 199 रन का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत उतनी ही शानदार रही जब हमको बारिश में चाय और पकौड़े मिलते हैं। मुंबई की ओर से ईशान किशन ने शानदार 42 रन बनाए, लेकिन उनका साथ देने आए रोहित शर्मा मात्र 7 रन ही बना पाए। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव शानदार 82 रन बनाकर मैच को मुंबई के हाथों में कर गए। वह मैच तो फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मुंबई को जीत की दहलीज पर पहुंचा गए। आइए चलते हैं मुंबई के स्कोर कार्ड पर। इस तरह से मुंबई ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया।